चलित निर्वाचन में जम्मू काश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सह मेंट करी सरकार गठन करी तेबे निज मन मुताबक पद न मिलबारु कांग्रेस मुख्यमंत्री ओमार का कैबिनेट रे शामिल होइना किंतु समर्थन जारी रखिबो बोली कहिछि किंतु यहारी भितरे एपरि एक घटना देखिबा को मिलिछि जेउथरे मेंट सरकार रे फाट हेबो बोली अनुमान करा जाउछि। सरकार आसिबा पूर्वरु ओमार का सरकार 370 धारा पूर्णी लागू करिबो बोली घोषणा करितिला तेबे याकु जम्मू काश्मीर विधानसभा रे समर्थन करा जाइथिबा बेले केवल केन्द्र सरकार को पाखरे कथा अटकिछि किंतु यहारी भितरे देखिबा को मिलिछि जे 370 लागू करबा नै कांग्रेस यूटर्न मारिछि। कांग्रेस रो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अनुच्छेद 370 लागू करबा दाबी करबा को नै यूटर्न मारिछन्ति। खड़गे परे जम्मू काश्मीर कांग्रेस मुख्य हामिद कौर मध्य समान आभिमुख्य प्रकाश करिछन्ति। से कहिछन्ति निकटरे विधानसभा रे पारित प्रस्ताव रे अनुच्छेद 370 प्रस्ताव लागू करबा नै कोनोसी दाबी करा जाय नै आमे पूर्वरु स्पष्ट करि सारिछु सुप्रीम कोर्ट कर 370 निष्पत्ति बाद आमे केवल जम्मू काश्मीर रे पूर्ण राज्य मान्यता देबा पई दाबी करिछु तेबे कांग्रेस रही यूटर्न क्षमतासीन नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को खोला टारगेट करिछि। याकु नै एनसी नेता तथा एमपी अगर राहुलला कांग्रेस को कड़ा काउंटर करिछन्ति। से कहिछन्ति कहा को भी यही अधिकार दिया जाय नहीं कि विधानसभा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को भूल रूप से उपस्थापन करबा। कांग्रेस स्पष्ट करुजे अनुच्छेद 370 लागू करबा नै तार मत कण एक जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार कांग्रेस ओमार अब्दुल्लांक सरकार सामिल नहेबा पई निष्पत्ति नैथिला कारण दल को डर थिला कि एनसी सह मेंट करबा घटना को भाजपा आगामी दिन निर्वाचन में एक हथियार भली व्यवहार करिपारे। एनसी 370 धारा को लागू करने को दावी करुछि जहां को भाजपा अस्त्र करी महाराष्ट्र और अन्यान्य विधानसभा निर्वाचन में कांग्रेस विरोध में उठाई पारे। ब्यूरो रिपोर्ट निनालिपि लाइव। दिनलिपि लाइव को एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु।